तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेमो लेके आया हूँ ब्लू स्टार एसी का। फ्रेंड्स, ब्लू स्टार को 80 ईयर हो चुके हैं मार्केट में, जिसके उपलक्ष में वारंटी भी इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ भी कर रहा है एसी सेल्स के मामले में, क्योंकि इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सर्वे कर रहे हैं कि मैं एक 2 टन का एसी लेना चाहता हूं और मेरा जो रूम साइज़ है 210 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है और 250 स्क्वायर फीट से नीचे है, तो ये डेमो आप ही के लिए मैं लाया हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं, ब्लू स्टार के 2 टन 3 स्टार का रिव्यू देने वाला हूं, जिसका मॉडल 324 VKU मॉडल है। ये फ्रेंड्स 3 स्टार का मॉडल है। चलिए फ्रेंड्स, ब्लू स्टार के सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी आती है फ्रेंड्स, वो आती है आपकी 6200 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी आती है। फ्रेंड्स, ये जो एसी है आपका, ये इन्वर्टर एसी है जो कि वेरिएबल स्पीड पे चलता है, उसके हिसाब से ये कूलिंग भी परफॉर्मेंस आपको देता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी की, तो ये 6300 तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें कूलिंग कैपेसिटी की, तो 6382.8 वॉट के करीब ये कूलिंग भी जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस टाइप से। तो अगर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूनिट पर ईयर की, ये यूनिट पर ईयर कितनी ले रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो यूनिट पर ईयर है 1215.67 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। अगर हम इसके ISER की बात करें तो 3.95 का इसका ISER रेटिंग है। तो फ्रेंड्स, नॉइज लेवल भी एसी में देखी जाती है, इसका जो नॉइज लेवल है फ्रेंड्स वो आपका 32 से लेके 39 dB के करीब इसका नॉइज लेवल रहने वाला है, यानी ये साउंड भी काफ़ी कम करेगा। चलिए बात कर लेते हैं इनके कुछ यूनिक फीचर की। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी कंप्रेसर की, इसका जो कंप्रेसर होता है वो कौन सा होता है। फ्रेंड्स, इसका जो कंप्रेसर होता है रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जो कि वेरिएबल स्पीड पे चलता है और अपने हिसाब से कूलिंग देता है फजी लॉजिकली, ठीक है। इसका जो कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स, मिनिमम टेम्परेचर जो जाता है रूम के अंदर का 18 डिग्री से लेके 55 डिग्री तक ये जाता है, यानी आप इसको 18 डिग्री पे भी कर सकते हैं और मैक्सिमम ये 55 डिग्री पे जाता है, जो कि बाहर का एम्बियंट टेम्परेचर होता है। रूम के टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये 30 से 32 डिग्री के करीब जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के ये फ़ायदे हैं कि आप इस एसी को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपको बिजली की सेविंग करनी है और या फिर आपको फास्टर कूलिंग करनी है तो यही मोड्स आपके काम आएंगे। यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करके निचले मोड पे चलाते हो तो ये काफ़ी बिजली की सेविंग होती है। क्यों? जब भी आप रूम के अंदर आते हो और वो फुल कैपेसिटी पे चलता है तो आपको लगता है कि मेरे को इसमें फुल कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को इसमें कम कैपेसिटी ही चलानी है, तो आप इसको 1 टन के करीब भी चला सकते हो, 1.5 टन में भी चला सकते हो, जो कि सबसे निचले वॉट पे चलेगी, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जो वॉटिंग होती है 2000 या 2200 के करीब इसकी वॉटेज होती है 2 टन के करीब की, बट इसका कम ही होता है क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है। तो अगर आप इसको निचले मोड पे चलाते हो तो ये आपका कभी 600 कभी 700 वॉट पे 1000 वॉट पे चलेगा, जिससे कि बिजली की सेविंग रहेगी। अब मैं वही चीज़ आपको बता रहा था कि जब आप इसको हाइएस्ट कैपेसिटी पर चलाओगे तो 6382 यूनिट के करीब वॉट के करीब सॉरी ये आपका कूलिंग कैपेसिटी देगा। यानी अगर घर में मेहमान है, घर में ज़्यादा भीड़ है, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, उस कंडीशन में आप इसको 2 पॉइंट से ऊपर थोड़ा सा चला सकते हो, जिसको हम हाईएस्ट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको टर्बो कूल भी आता है, टर्बो मोड भी इसका एक नेक्स्ट फीचर ही होता है, जिसको हम हाईएस्ट कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। यही इनका 5-in-1 कन्वर्टेबल का ऑप्शन है। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको कम्फर्ट स्लीप का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स, कम्फर्ट स्लीप होता क्या है कि जब भी आप एसी को चलाते हो, मान लीजिए आपने इसको 18 या 19 डिग्री पे चलाया है और रात के समय आपको ठंड लग जाती है, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर होता है, तापमान हो जाता है, वो कम हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी अपनी जो कूलिंग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करता है। तो उस कंडीशन में जब आप एसी चलाते हो और आप बार बार रिमोट ना उठाओ, उसके लिए इन्होंने स्लीप मोड का ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप स्लीप मोड का ऑप्शन एक्टिवेट करते हो रिमोट में, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, टेम्परेचर को रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली अप कर देता है। यानी अगर आपने 19 लगा रखा होगा तो ये 20 पे कर देगा, यानी थोड़ा सा उसको कूलिंग को बढ़ा देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको AI Pro का भी ऑप्शन मिलता है। तो फ्रेंड्स, AI Pro क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि आजकल हर एसी में आ रहा है और हर एसी में ट्रेंड में चल रहा है। तो AI जो काम करता है इसमें, वो आपका
जो इंटरनल और आउटर जो है आपके रूम का इंटरनल टेम्परेचर और आउटर का जो टेम्परेचर है उनको सेंस करते हुए रूम के अंदर प्रोवाइड करता है कूलिंग, जिससे कि काफ़ी हद तक कूलिंग बेहतर मिलती है और बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग भी मिलती है। इसी को हम AI प्रो बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट की, तो इसमें आपको DGQ पेंटा सेंसर भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, DGQ पेंटा सेंसर का काम होता है एम्बियंट सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर और कंडेंसर सेंसर। इनका काम होता है जैसे ही AC स्टार्ट होता है तो स्टेप टू स्टेप ये वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है कि AC में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अगर AC में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये डायरेक्टली डिटेक्ट कर देता है AC के हिडन डिस्प्ले में और वहाँ पर बता देता है कि ये एरर कोडिंग आ रही है। वाइट ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसका जो नॉइज़ लेवल मैंने आपको बताया था, तो ये 39 dB के करीब इसका नॉइज़ लेवल है, यानी इसका ऑपरेशन क्वाइट मतलब इसकी आवाज़ जो है काफ़ी कम रहेगी। आप इसको क्वाइट ऑपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि इस AC को आप स्मार्टली वर्क भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टली वर्क का मतलब हो गया फ्रेंड्स, इसको आप वाईफाई के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा इसको आप वाईफाई के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, एलेक्सा के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, गूगल असिस्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। घर में कहीं भी बैठे और बाहर भी कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं AC को। एक टाइप से स्मार्टली वर्क हो गया है आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, तो इसमें आपको नैनो ब्लू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। फ्रेंड्स, नैनो ब्लू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसका जो कंडेंसर कॉइल होता है और इवेपरेटर कॉइल होता है फिन्स, उस पर इन्होंने स्पेशली ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग दी गई है। ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग का फायदा ये है कि ये एक टाइप से सल्फर वगैरह और करोजन वगैरह से AC को सेफ रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ इसमें जो कॉपर की राउंडिंग होती है किनारे से, वहाँ पर स्पेशली इन्होंने क्या किया है, स्पेशली वहाँ पर भी एक कोटिंग दी गई है जिसकी वजह से गैस लीकेज की प्रॉब्लम वगैरह ना आए, जो कि हर साल प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, वो चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका नैनो ब्लू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ इनका एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर भी होता है। इसका AC के ऊपर ही एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर लगा रहता है जो कि डस्ट वगैरह पार्टिकल्स को रोकता है और ज़्यादा तो रूम के अंदर जो फंगस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको भी ये रोकता है। उसको आप इजिली टू निकाल के आगे का फ्लैपर खोल के फिल्टर को इजिली निकाल के झाड़ के साफ कर सकते हो या फिर उसको वॉश भी कर सकते हो। चलिए अब छोटे मोटे फीचर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 100% कॉपर कॉइल तो मिलती ही मिलती है। साथ ही इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट भी मिलता है जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है और ओजोन लेयर को ये काफ़ी हद तक हार्म कम करता है, एक टाइप से सेफ रखता है हमारी पृथ्वी को। ठीक है, और नेक्स्ट फीचर की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको स्टेपलर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेपलर फ्री ऑपरेशन वर्क करता है ये AC, क्योंकि ये जो AC है आपका वो इन्वर्टर AC है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके वारंटी की, तो कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल और 5 ईयर की PCB की और 10 ईयर की कंपल्सरी वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 80 ईयर इस कंपनी को हो चुके हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में कंपनी ने पहले 80 ईयर की दे रखी थी बट अभी इन्होंने 5 ईयर की वारंटी कर दी है सीजन टू सीजन। तो अगर आप भी AC को परचेस करने जाओगे मार्केट में शॉप में, तो वहाँ के हिसाब से सबसे पहले यही पूछ लेना कि अभी वारंटी कितनी चल रही है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आपका 2 टन का 3-स्टार AC ब्लू स्टार का VKU सीरीज। अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।